पति का टिकट कटते ही अंगद सैनी के समर्थन में उतरी अदिति सिंह। प्रियंका गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने पंजाब की नवांशहर सीट से मौजूदा विधायक अंगद सैनी का टिकट काटा है। यूपी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अदिति सिंह अपने पति अंगद सैनी के समर्थन में खड़ी हुई है। अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस महासचिव ने मेरे पति पर मेरे खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया था। अदिति सिंह ने दावा किया कि अंगद सैनी के सामने टिकट लेने के लिए उनके खिलाफ बोलने की शर्त रखी गई थी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अंगद सैनी की ओर से भी इसी तरह का आरोप लगाया गया है। विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली सीट से निर्वाचित होने वाली अदिति काफी समय से राज्य की बीजेपी सरकार के पक्ष में खुलकर बोल रही थी। वह हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। अदिति सिंह ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरे परिवार को परेशान किया है, मेरे पति पर दबाव बनाया कि आप अदिति के खिलाफ बोलिए तब आपको टिकट देंगे, तो यह है उनकी लड़ाई, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बता दें कि अंगद सिंह ने भी दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन पर अदिति सिंह के खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अंगद सैनी का कहना था कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की यह शर्त मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्हें नवांशहर विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया। बता दें कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 20 फरवरी को होना है। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे।